Jai Ho! Subscribe the channel and press the bell icon. Would never miss updates from Charam Mangal. कि हम अपना टारगेट डिसाइड करते हैं, हमें हम कॉन्फिडेंट भी होते हैं, हमें लगता है कि हम अपना टारगेट अचीव कर लेंगे, लेकिन फिर बीच में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं कि हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल भी वीक हो जाता है, और फिर हम अपने आप को वापस ओवरकम कैसे करें और अपने गोल ओरिएंटेड कैसे बने। देखो, इंसिडेंट्स तो लाइफ में होते रहेंगे। आप रोड पे चलो और स्पीड ब्रेकर ना आए, ऐसा थोड़ी होगा। अब बोलो स्पीड ब्रेकर आ गया तो अब वापस स्पीड कैसे बढ़ाऊं? तो भैया, स्पीड ब्रेकर इसलिए आया कि वापस सोचो, संभलो, आंखें खोलो और वापस स्पीड बढ़ाओ, ठीक है ना? तो ये जो स्पीड ब्रेकर सब सबके लाइफ में आते हैं ना, कई तरह के इंसिडेंट्स होते हैं। किसी की फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, किसी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाती है, किसी का कहीं इमोशनली कोई हर्ट हो जाता है, तो मे बी कई तरह के इंसिडेंट्स आपके लाइफ में आ जाए। तो जब भी आए ना, उन पे ज़्यादा एनर्जी मत दो, उनको भूलना सीखो। भूलने की कुछ टेक्निक्स बताती हूँ आपको। जैसे याद रखने की टेक्निक्स भी स्टूडेंट लाइफ में जानना जरूरी है, ऐसे ही कुछ फालतू चीज़ों को भूलने की टेक्निक्स भी जानना जरूरी। ओके, ऐसा है ना? तो जहाँ आपको लगता है कि कोई इंसिडेंट आपको इमोशनली वीक कर रहा है, आपके कंसंट्रेशन को डिस्टर्ब कर रहा है, डिस्ट्रैक्ट कर रहा है आपके माइंड को, तो उन घटनाओं को भूलना कैसे? देखो, घटनाओं को भूलने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उन घटनाओं को ए टू जेड वापस माइंड में रिमाइंड करना होगा। ए टू जेड, वेरी फर्स्ट डे से लास्ट डे तक जो कुछ हुआ उसको रिमाइंड करो। लेकिन कैसे रिमाइंड करोगे? जैसे मूवी कैसे रिवाइंड करते हैं, बैक टू फर्स्ट जाओ, जेड टू ए जाओ और हर एक घटना को देखो। और कैसे देखना है? खुद को इन्वॉल्व किए बिना देखना है, अपने माइंडसेट को इन्वॉल्व किए बिना देखना है, और देख पाओगे। थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर प्रैक्टिस करोगे तो अपनी ही घटनाओं को, अपने ही पास्ट के इंसिडेंट्स को बिना इन्वॉल्व हुए वापस देख पाओगे। जैसे कोई व्यक्ति अपनी शादी की वो वीडियो सीडी ऑन करके देखे, वो बोले अच्छा मैं उस समय वैसा दिखता था क्या, अरे वो वैसा था क्या। तो जैसे वो लोग देखते हैं ना पूरी मूवी को, तो उनको ख्याल आता है तब कितनी गलतियाँ की थी, तब कैसा सोच था मेरा, तब कैसा मेरा माइंडसेट था। अभी समझ आता है क्योंकि अब तो मैच्योर हो चुके हैं। ऐसे ही पास्ट की कई चीज़ों के बारे में अब मैच्योरिटी डेवलप हो चुकी होगी, क्योंकि एवरीवन इज वाइज आफ्टर इवेंट। तो अपनी घटनाओं को एकदम वाइजली देखो, डिटैच्ड हो करके। फर्स्ट कंडीशन इज डिटैचमेंट। अगर वापस अटैच्ड हो गए तो फिर उन घटनाओं को फिर नहीं बना रहे हो, फिर उन घटनाओं से बाहर नहीं आ पाओगे। डिटैच्ड होकर के घटना को देखो। देखने के बाद में अपने माइंड को इंस्ट्रक्शन दो कि जो घटनाएं घटी उसके अंदर अब मेरा किसी व्यक्ति के प्रति कोई ओपिनियन नहीं, न कहूं से दोस्ती न कहूं से वैर, कोई ओपिनियन नहीं। जो हुआ सो हुआ, जो हुआ सो न्याय। फार्मूला क्या? जो हुआ सो न्याय, यानी उचित ही था। जनरली हम लोग जब घटनाएं घट चुकती है उसके बाद में ये कहते हैं कि मेरे साथ गलत हुआ। ओके, जितनी देर तक हमारे माइंड में ऐसा भाव रहता है कि ये मेरे साथ गलत हुआ, तब तक हम उस घटना के साथ एक कनेक्शन बनाए हुए रहते हैं, हम उस घटना के इम्पैक्ट की गिरफ्त में होते हैं। मतलब वो घटनाएं हमारे माइंड पे इम्पैक्ट डाल रही होती है। ओके, और हमें माइंड से वो सारा इम्प्रेशन रिमूव करना है, करना ही है, उसके बिना हम आगे मूव नहीं कर पाएंगे। तो हमें पहले घटनाओं को रिमाइंड करना और उन घटनाओं को डिटेच्ड होकर के जेड टू ए कम्प्लीटली वॉच करना, और उसके बाद में अपने भीतर मन को कहना जो हुआ सो न्याय, मेरे को अब किसी के प्रति कोई ओपिनियन नहीं, ना एक्स के प्रति, ना वाई के प्रति, ना जेड के प्रति। एक्स इज द यू, आप, वाई इज योर कनेक्शन ऑफ दैट पर्सन, दैट सिचुएशन, एनीथिंग, एंड जेड इज द एटमोसफेयर, टाइम, स्पेस एंड ऑल वर्ल्ड। ओके, एक ट्राइंगल बनाओ,
एक ट्रायंगल बनाओ, उसमें एक्स पे आप अपने आप को रखो ऊपर, वाई पे वो डायरेक्टली घटना से कनेक्टेड पर्सन सिचुएशन, और जेड पे रखो बाकी सारे लोगों की ओपिनियन। ठीक है, अब ये जो हमारा इसमें कनेक्शन हुआ था, इसमें इंटरकनेक्शन था, आपका इसके वाई के प्रति भी था, जेड के प्रति भी था, वाई का जेड के प्रति था, जेड का वाई के प्रति था, और सबका इंप्रेशन माइंड में है। ओके, अब हमें एक्स पे बैठना है, वाई और जेड दोनों को न्यूट्रलाइज करना है, माइंड में न्यूट्रलाइज करना है, क्योंकि ये सारा परेशान कौन कर रहा है? बाहर तो कोई नहीं कर रहा, जो परेशान कर रहा है वो हमारा माइंड ही परेशान कर रहा है। माइंड में वाई भी परेशान कर रहा है, माइंड में जेड भी परेशान कर रहा है। और प्रॉब्लम ये है कि एक्स इज कनेक्टेड एंड एक्स इज अटैच्ड विद वाई एंड विद जेड, इसीलिए एक्स डिस्टर्ब हो रहा है। अब हमें एक्स को न्यूट्रलाइज करना है, उसके माइंड में से वाई और जेड दोनों को न्यूट्रल फेस पे लाके खड़ा करना है। ओके, जैसे ही न्यूट्रल फेस पे आप ले आओगे उन दोनों को, एक क्षण में एक क्षण घटना लगेगी, एक मिनट से ज़्यादा भी नहीं लगेगा। अब एक मिनट की प्रैक्टिस, मतलब पूरा देखने में तो ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन जब आप एक मिनट में भी न्यूट्रल हो गए, वाई और जेड दोनों से डिस्कनेक्ट होकर के अपने आप को एक्स की पोजीशन पे ले आए, मतलब ऊपर ले आए, दोनों से अनअटैच्ड होकर के ऊपर आ गए, उसके बाद आप उस पॉइंट पे बैठ करके अपने आप को ऑर्डर दो और अपने माइंड को कहो कि मेरा सारा पास्ट डिलीट डिलीट डिलीट, द वर्ड इज डिलीट, सबको मैं भुलाता हूँ भुलाता हूँ भुलाता हूँ, अपने माइंड से सबको डिलीट करता हूँ, डिस्कार्ड करता हूँ, डिसोसिएट हो जाता हूँ, जो हो गया सो न्याय, अब मेरी कोई ओपिनियन नहीं, और मैंने अपने माइंड से सबको डिलीट कर दिया, पूरे शांत मन से बैठ के कहना, पूरे शांत, जब केवल आप ही हो, अपने साथ केवल आप हो, चाहे वो आधी रात का समय हो, चाहे जब आप नींद में जाने वाले हो उससे पहले ये प्रोसेस करो, या नींद से आँख खुलते ही तुरंत बैठ जाओ अपने ही बेड पर और शांति से अपने पूरा पास्ट रिमाइंड करो और उस पास्ट को अपने माइंड से रिमूव करो, पहले निष्पक्ष होकर देखो, फिर डिलीट कर दो, और फिर उन घटनाओं को क्षमा करते हुए हर एक व्यक्ति को कहो, तुम सब मेरी ज़िंदगी में आए, सबका उपकार, सबका धन्यवाद, सबको थैंक यू, अब सब मेरी माइंड से अलविदा हो जाओ। क्यों? क्योंकि मेरा लक्ष्य ही सत्य है, बाकी सारा चीज़ें मेरे लिए झूठ है। योर टारगेट इज योर ट्रुथ, उसके सिवा जितनी घटनाएं लाइफ में आ गई है वो सब झूठ है, और झूठ में दिल लगाया इसीलिए दिल टूटा, ऐसा ही है, इसलिए झूठ में दिल मत लगाओ, और दिल कमजोर है इसलिए बार बार लगता है, और दिल को मजबूत आपको ही बनाना पड़ेगा। ओके, और इसमें कोई सर्जरी नहीं होती, प्लास्टिक सर्जरी, आपका दिल मजबूत हो जाए, आपको अपने इमोशंस को खुद ही बैलेंस करना होगा, और ये इमोशनली वीकनेस ही हमें अपने टारगेट से दूर करती है, और हमारी सारी पावर को हम खुद ही फिर डिस्करेज कर देते हैं। इसीलिए इमोशनली स्ट्रांग होने के लिए अपने पास्ट की बहुत सारी ऐसी इंसिडेंट्स को अपने माइंड की मेमोरी से रिमूव करना और डिलीट करना बहुत ज़रूरी है। जब भी आपको लगे 15 दिन में 20 दिन में शांति से बैठो और पास्ट के 15 दिन 20 दिन में जो कुछ माइंड में कूड़ा इकट्ठा किया, जिसकी भी वजह से आप डिस्ट्रैक्ट हुए, उन सबको वो सिरा में कर दो, उन सबको डिलीट कर दो, और डिलीट करने के बाद में वो व्यक्ति सामने भी आवे तो पास्ट की कोई बात ना आपके सोच में आनी चाहिए ना आपकी वाणी पे आनी चाहिए, वो घटना वो व्यक्ति संबंधित लोग सामने भी आ जावे तब भी पास्ट की कोई बात ना बोलोगे ना सोचोगे, इतने अपने आप के साथ स्ट्रिक्ट बनो, आप खुद के साथ स्ट्रिक्ट हो जाओ, आप एक दिन मास्टर हो जाओगे, और जब आप ही अपने आप के साथ स्ट्रिक्ट नहीं बनोगे तो फिर लोग आपको कहीं ना कहीं परेशान करते ही रहेंगे पूरी जिंदगी, क्योंकि आप कमजोर हो ना, कमजोर आदमी परेशानियां पाता है, मजबूत आदमी नहीं पाता, इसीलिए बी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। ओके, तो अपने पास्ट के सारे इंसिडेंट्स को बड़े प्यार से डिलीट कर दो, डिलीट बटन दबा दो, तीन बार बोलो हटो हटो हटो, डिलीट डिलीट डिलीट, नो कनेक्शन विद एनीवन एल्स, मी एंड माय टारगेट, बस इसके सिवा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए,
फिर जैसे ही आप गोल ओरिएंटेड हो जाओगे, आप वापस कॉन्फिडेंट हो जाओगे और वापस आपकी सारी यात्रा अपने ही लक्ष्य की ओर बढ़ेगी, डाइवर्जेंस खत्म हो जाएंगे। ओके, जय हो।